हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीसी स्पार्क में। और हम यहाँ डेली करंट अफेयर लेके आते हैं। चलिए आइए फोकस करते हैं सारे क्वेश्चनों पे डेली करंट अफेयर के। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है मैन बुकर पुरस्कार से, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार 2019 किस किस को दिया गया है? तो वो दिया गया है संयुक्त रूप से दो महिलाओं को। ये दोनों महिलाएँ हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पहली महिला जो है वो है पी मार्गरेट एटवुड और दूसरी महिला जो है वो वर्नर डाइन एवरिस्टा। ये दोनों महिलाएं हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये दोनों लोग बिलोंग कहाँ से करते हैं। पहली बात वो आपका ये मार्गरेट एटवुड जो है वो है आपकी कनाडाई मूल की महिला है और आपकी जो बर्डाइन एवरिस्टर जो है वो आपकी क्या है ब्रिटिश मूल की महिला है, ठीक है। ये कनाडा से हो गई और ये आपकी ब्रिटिश हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, इन्हें पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? इन्हें जो पुरस्कार मिला है मार्गरेट एटवुड को जो मिला है दी हैंडमेड्स टेल के लिए, और इसके बाद बर्नर डाइन एवरिस्टर को जो मिला है वो गर्ल वुमेन आर्ट अदर्स के लिए, ठीक है, गर्ल वुमेन अदर्स के लिए। ये तो इनकी कृति हो गई। अच्छा, एक बार आप हम लोग जान लेते हैं मैन बुकर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार जो है वो आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके बाद इस एक चीज और कंफ्यूज करने वाली होती वो है ये कि एक होता है आपका मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, ठीक है। ये दोनों ही पुरस्कार कंफ्यूज करने वाले होते हैं। हम लोग जब करंट पे पढ़ने जाते हैं ना, पूरा सेगमेंट एक होता है आपका पूरा पुरस्कारों से लेके, तो वहाँ हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ये कि मैन बुकर भी है और एक मैन बुकर इंटरनेशनल भी, तो दोनों ही अलग अलग है, पहले तो ये जान लीजिए। दूसरा ये है कि मैन बुकर पुरस्कार है वो मेन पुरस्कार है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1969 से हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1969 से हुई है, ठीक है। तो और जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई है 2005 से। आप नोट डाउन कर लीजिए, 2005 से इंटरनेशनल मैन बुकर का शुरुआत हुआ है और मैन बुकर पुरस्कार मेन जो है आपका उसकी शुरुआत हुई है 1969 से, ठीक है, ये फैक्ट है। दूसरा आपका तीसरा फैक्ट ये है कि मैन बुकर पुरस्कार जो है सिर्फ या फिर आपके आयरलैंड के नागरिक को मिलेगा या फिर कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके नागरिकों को ये पुरस्कार मिलता है, ठीक। और जो इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार जो होता है वो विश्व के किसी भी नागरिक को मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जोखा अल हार्थी का नाम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जोखा अल हार्थी का नाम मैंने यहाँ क्यों लिखा है वो इसलिए कि जोखा अल हार्थी को इसी साल के मई माह में आपका इंटरनेशनल आपका मैन बुकर मिल चुका है। इंटरनेशनल मैन बुकर मिल चुका है, ठीक है। मैन बुकर इनको मिल चुका है जो हाल हार्थी को, और मैन बुकर पुरस्कार जो 2019 है वो आपके मिले हैं मार्गरेट एटवुड एंड बर्नर डाइन एवरिस्टा को, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है, आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है इंटरनेशनल क्या है मैन बुकर और मैन बुकर है क्या, यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का आता है धर्म गार्जियंस 2019 सैन्य, ये एक क्या है, एक तो ये सैन्य अभ्यास है, ठीक है। आप एक बात और जान लीजिए, जितने भी देशों की जैसे भारत और किसी देश के बीच में कोई भी सैन्य अभ्यास होगा तो उसका नाम चेंज नहीं होगा। अगर आप उसको एक बार नाम याद रख लेते हैं तो उसका नाम नहीं चेंज होगा, सिर्फ उसकी क्या होती है सीरीज या क्रम चेंज होता है, ठीक है ना। वो किस क्रम में है सिर्फ ये चेंज होता है, मतलब आप एक बार उस चीज़ को याद रख लेंगे तो हमेशा के लिए वो दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो धर्म गार्जियन 2019 का जो सैन्य, ये क्या है सैन्य अभ्यास। एक और भी चीज़ है, एक और भी फैक्ट है, अभ्यास जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेनाएं हैं वो तीन तरीके की हैं। आपकी वायु सेना हो गई, जल सेना हो गई, थल सेना हो गई। तो ये तीनों ही सेनाएं जो हैं वो अभ्यास करेंगी। हम भारत की सेना जो अभ्यास करेगी वो किसी और देश की सेनाओं के बीच में अभ्यास करेंगी। तो अभ्यास भी तीन प्रकार के होंगे, वायु, जल एंड थल, ठीक है। तो धर्म गार्जियंस 2019 का जो आपका
आपका अभ्यास जो है वो क्या है, सैन्य अभ्यास यानी कि थल अभ्यास है, वो किस किस के बीच में हुआ है, तो वो हुआ है आपका भारत और जापान के बीच में। ठीक है, भारत और जापान के बीच में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि धर्म गार्जियन जैसे ही आपका नाम आएगा एग्जाम में हम तुरंत समझ जाइएंगे कि भारत और जापान के बीच में ये सैन्य अभ्यास है और किसी भी कंट्रीज के बाद में कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, बस अगर बदलता है तो क्या वो है जगह कि वो अभ्यास हुआ कहाँ है, वो अभ्यास हुआ कहाँ है, तो इस बार का जो 2019 का जो अभ्यास हुआ है वो हुआ है मिजोरम में। ठीक है, ये हुआ है मिजोरम में 2019 का सैन्य अभ्यास। ठीक है, मिजोरम की अगर एक बात आ गई है तो मिजोरम के बारे में हम जान लेते हैं। पिछले क्लासों में हम लोग हर किसी राज्य के बारे में एक जनरल नॉलेज ले रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है, आइजोल। ठीक, इसकी जो राजधानी है वो है आपकी आइजोल। इसके जो सीएम है वो है आपके जोरमथांगा। सीएम जो है आपके वो है आपके जोरमथांगा। ठीक, और इसके जो गवर्नर है वो कौन है, इसके जो गवर्नर है वो कौन है, तो पहले आप ये जान लें कि जो आपका ये आपका मिजोरम जो है, मिजोरम जो है वो पहले राज्य नहीं था, पहले वो असम का एक जिला था। असम राज्य का एक पहले ये जिला था, 1972 के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद 1987 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। तो इसके जो गवर्नर है वो उन्हें क्या मिला है, असम के जो गवर्नर हैं उनको एडिशनल चार्ज मिला है आपका मिजोरम का, यानी कि वो गवर्नर आपके असम के भी हैं, वो गवर्नर आपके मिजोरम के भी हैं। तो जो गवर्नर है वो कौन है, वो है आपके जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो है वो यहाँ के गवर्नर है जिन्हें एडिशनल चार्ज मिला है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है कितनी, तो लोकसभा सीट है वो भी एक है और राज्यसभा सीट है वो भी एक है। राज्यसभा सीट एक है और लोकसभा सीट भी कितनी है, एक ही है। ये पूरा आपका हो गया मिजोरम के बारे में। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है एक्स ईस्टर्न ब्रिज के बारे में, एक्स ईस्टर्न ब्रिज फाइव क्या है। ठीक है, पहली बात तो जान लीजिए, ईस्टर्न ब्रिज का जैसे ही नाम आएगा, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये भारत और ओमान के बीच की बात हो रही है, जैसे ही आपका ईस्टर्न ब्रिज का नाम आता है आप तुरंत समझ जाइएगा कि भारत और ओमान के बीच की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो सैन्य अभ्यास, जैसे मैंने कि बताया था कि सैन्य अभ्यास होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो जो एक्स ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास है वो क्या है, वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, ये क्या है, वायुसेना अभ्यास है। ठीक, इसके बाद ओमान की बात हो गई तो ईमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान की जो राजधानी है वो क्या है, मस्कट। ठीक, ओमान की जो राजधानी है वो है आपकी मस्कट। ठीक है, ये राजधानी हो गई। इसके बाद यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी रियाल। रियाल यहाँ की मुद्रा हो गई। इसके बाद हमने एक और फैक्ट यहाँ पे बताया था कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 जो कि मई में मिला है, वो जोखा अल हार्थी को मिला है, वो भी कहाँ से बिलोंग करती है, वो भी यहाँ ओमान से ही बिलोंग कर रही है, तो ये फैक्ट और आपके लिए यहाँ पे याद करने के लिए हो गया कि इस बार का जो इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार जो मिला है वो ओमान की ही लेखिका है, जोखा अल हार्थी, उनको ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किन महिलाओं ने पुरुष साथी के बिना पहली बार स्पेस वॉक किया है, ये अपने आप में वास्तव में कीर्तिमान, एक कीर्तिमान जैसा ही कुछ है कि महिलाएं अकेले अंतरिक्ष में स्पेस वॉक कर रही हैं, रियली गुड। तो किन महिलाओं ने किया है, तो पहली महिला जो है वो क्रिस्टीना कोच जो है वो पहली महिला है। दूसरी महिला जो है वो जेसिका मीर है। ये दोनों ही महिलाएं नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, और इन्होंने पहली बार बिना किसी पुरुष के स्पेस वॉक किया है।
क्रिस्टलीना का ये स्पेस वॉक जो था वो चौथी बार था, इन्होंने चौथी बार ये स्पेस वॉक किया है, ठीक है। और इसके बाद जो जेसिका मीर जो है उनका ये फर्स्ट टाइम था स्पेस वॉक, ठीक है। जेसिका मीर का स्पेस वॉक जो था वो आपका फर्स्ट टाइम था, और जो क्रिस्टलीना कोच थी वो आपकी चौथी बार ये स्पेस वॉक कर रही थी। ये एक क्वेश्चन जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है, क्योंकि फोकस जो है ना वो महिलाओं का है और आजकल जो फोकस चल रहा है वो महिलाओं पे बेस ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस कंपनी के सहायक सीईओ का निधन हुआ है, किस कंपनी के सहायक सीईओ का निधन हुआ है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, पहली बात तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, किसका निधन हुआ है वो है आपका मार्क हार्ड है सहायक सीईओ हैं जो जिनका निधन हुआ है अभी हाल ही में, और किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं ओरेकल। आप लोग नहीं जानते होंगे ओरेकल क्या है, हम यहाँ बता देते हैं। ओरेकल जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर मेकिंग करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, प्लस इसकी सेल भी करती है, साथ में ये हार्डवेयर भी बनाती है और सेल भी करती है। आपने कंप्यूटर में आप लोग पढ़ते होंगे आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का, एक पार्ट होता है हार्डवेयर का। तो ये जो कंपनी है आपका सॉफ्टवेयर भी बनाती है और हार्डवेयर भी बनाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि दुनिया की नंबर वन कंपनी है राजस्व के मामले में सॉफ्टवेयर की, उसके बाद आपका ओरेकल का नाम आता है, ठीक है। ओरेकल का दूसरा नाम आता है सॉफ्टवेयर के बाद, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के बाद ओरेकल का दूसरा नाम आता है। तो यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा, अब ये कहें कि ये बहुत ही ज़्यादा फोकस वाला क्वेश्चन है क्योंकि पूछ सकता है, आपके जितने भी पेपर होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई निधन पूछ लेता है, क्योंकि जो चीज़ फोकस्ड होती है ज़्यादा उसमें निधन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो किस कंपनी के सहायक सीईओ का निधन हुआ है, तो वो है आपका ओरेकल कंपनी के मार्क हार्ड का निधन हुआ है। कंपनी के बारे में मैंने बताया, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती भी है और सेल भी करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस खिलाड़ी को 30 वर्ष की आयु में इंडिया टीम में डेब्यू करने का मौका मिला है। देखिए आप लोग जान रहे होंगे अभी इस टाइम पे साउथ अफ्रीका के साथ भारत की सीरीज चल रही है, अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही इसकी शुरुआत हुई है और इंडिया की टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और उसी सीरीज में ये 30 वर्ष की आयु में इंडिया की टीम में इन्हें खेलने का मौका मिला है, वो कौन है, तो वो है शाहबाज नदीम जो है, उन्हें 30 वर्ष की आयु में डेब्यू करने का मौका मिला है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, ये भी पूछ सकता है, इनका नाम देके पूछ सकता है कि किस सीरीज में इन्हें मौका मिला था डेब्यू करने का, तो आपका क्या हो गया, इंडिया साउथ अफ्रीका का सीरीज हो गया, प्लस ये भी पूछ सकता है कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें मिला है, तो वो आपका क्या हो गया, शाहबाज नदीम। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी, इंडिया टीम के नाम पर एक और खिताब आया है, वो क्या है, अभी तक की किसी भी सीरीज़ में इंडिया टीम ने अभी तक के सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाए हैं, ठीक है। इसके पहले ये खिताब जो था वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम पे था, पर अब ये इंडिया टीम के नाम पे हो गया, अभी तक की किसी भी सीरीज़ में इंडिया की टीम ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका करंट अफेयर कम्प्लीट हो रहा है, आप इसको लर्न करिए, लिख लीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्पार्क में। धन्यवाद।